नमस्ते, आओ आज अपन घर में ही फ्रूट से जैम बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ड्रैगन फ्रूट लिया है, उसे धो लिया। उसके बाद में अपन इसको साइड से कट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से कट कर लेंगे, फिर सीधा इसको ऐसे बीच में से काट लेंगे। काट करके फिर एक चम्मच से ना इसको साइडों में डाल करके और इसको इस तरह से पूरा निकाल लेंगे, है ना। अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है, इस तरह से अपन निकाल करके इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। जब तक बारीक बारीक कट कर लेते हैं, फिर अपन इसमें गैस पे अपन एक कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई को हल्का गर्म करेंगे, फिर पता है जैसे अपन इसको डालेंगे ना, तो फिर ये इसका जूस एकदम से उसमें लगते ही वो सही हो जाएगा। देखो इस तरह से डाला ना, तो धुआं धुआं भाफ निकल करके और इसमें एकदम से जो जूस था वो हो गया ना कम। इस तरह से अपन इसको फिर 10 मिनट सिम गैस पे इसको पकाएंगे, इसको इस तरह से दबाते हुए, ताकि ये एकदम से इसमें हो जाए, सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। तो अपन अब इसको ऐसे पकने देते हैं और साइड में अपन एक कीवी काट लेते हैं। तो मैंने कीवी को भी छील करके बारीक बारीक काट लिया है, वो भी अपन इसके साथ में मिक्स कर देते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कीवी और ड्रैगन फ्रूट दोनों आपस में मिलके पक जाए। कीवी थोड़ी सी खट्टी है, तो इसकी अच्छे से इसमें खटाई भी बैठ जाएगी। नहीं तो अगर आपके पास कीवी नहीं हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, है ना। और आपका लगे कि आपका फ्रूट थोड़ा सा खट्टा है तो आप ना डालो, या आपकी चॉइस है। फिर अपन इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। फिर इतना जैसे ये हो गया ना पूरा, फिर अपन इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। मैंने करीबन आधी कटोरी के करीब डाली है, अगर आप चम्मच से देखें तो मैंने 5-6 चम्मच डाले हैं, ठीक है। फिर अपन इसको मिक्स कर लेंगे। ना इसमें पानी डालना है, ना घी डालना है, ना ऑयल डालना है, ना बटर डालना है, कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ दो चीज़ से ही ये बन करके बहुत टेस्टी वाला तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह से देखो, जैसे जैसे शक्कर पिघलती जाएगी, थोड़ा सा अपन इसे मिक्स कर लेते हैं और ये बन करके तैयार हो जाएगा। जैसा मार्केट में मिलता है ना, सेम वैसा बन जाएगा, देखना आप। ये बस 2 मिनट और इसे पकाना है, गैस को धीमे ही रखना है। देखो ये हो गया ना थिक, थिक भी हो गया और इसमें फ्रूट का अलग से पता भी नहीं चलता ना। देखो ये इस तरह से, अब जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना, तब एकदम मार्केट जैसा हो जाएगा। फिर अपन इसको एक कांच की बॉटल में डाल देंगे। मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक ठंडा करने के लिए रखा। फिर देखो ये बन गया ना मार्केट जैसा, एकदम अच्छे से बन गया। फिर अपन इसको ठंडा करके फिर अपन इसको एक कांच की बॉटल में डाल देंगे। कांच की बॉटल में डाल के स्टोर करके रख दो, ख़राब भी नहीं होता। जब मन करे तब आप इसको ब्रेड पे लगा के खाओ, बच्चों को अगर रोटी पे लगा के खिलाना है तो रोटी पे लगा के बना करके रोल दे दो, बच्चों को आराम से खा लेते हैं। जेम तो बच्चों को अच्छा लगता ही है ना, इसलिए आप इसको घर में ही तैयार करो, बहुत ही हेल्दी होता है ना। तो अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो भी मेरे को कमेंट करके बताया तो करो कि आपको लगा कैसा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।